देश के लोगों के हाथ में एक हथियार 2024 इलेक्शन के नाम से था जो परसों इख्तिताम होगा। तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर शहर के बीचों बीच होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ 25 प्लस स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी अंडर द सेम रूफ विद हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10। 9773326213। अजमेर तो गरीबों का हज का जगह है और ये वो स्थल है जहां सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंद का बादशाह है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े फैसले होते हैं तो उनका दरबार यहां लगता है और हम एक उम्मीद लेकर आए कि अभी जो देश में हालात पिछले कई सालों से चले और देश के लोगों के हाथ में एक हथियार 2024 इलेक्शन के नाम से था जो परसों इख्तिताम होगा। तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस 2024 के बाद में देश में बदलाव आएगा और ऐसी सरकार आएगी जो गरीबों मुफलिसों पिछड़ों विकलांगों बेरोजगारों के को मदद करे, ऐसी सरकार आ सके जिसके लिए हम दुआ मांगने आए थे। यहाँ 400 पार के बारे में आपका क्या कहना है? 400 पार तो मैं बड़े दरबार से निकला हूँ और इंडिया गठबंधन 400 से पार लेकर आएगा, ये मेरा मानना है और ये मेरा विश्वास है। आप कहाँ कहाँ चुनाव में गए, वहाँ पर क्या स्थिति रही? मैं 4-5 स्टेटों में गया और पूरी देश की जनता वो किसी जात से किसी पात से था किसी उम्र ग्रुप के था वो सारे लोगों के मन में था कि इस बार हम देश में बदलाव चाहते हैं, हम नहीं मतलब ऐसी सरकार देखना चाहते हैं जो लोगों को आपस में बांटे, जो जो उनका काम ही नहीं है, जो जिस सरकार का लोगों का मदद करने का होता है 10 साल के बाद उन लोगों को अपने कामों को गिनाना चाहिए, फिर वही हिंदू मुसलमान फिर वही मंगलसूत्र फिर वही गाय भैंस की कहानियां, इससे अब देश उग चुका है। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की क्यादत में 5 न्याय के प्रोग्राम दिए हैं, 25 गारंटीज दी है, वो देश की जनता ने पसंद किया, उस पर भरोसा किया, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है 4 जून को एक बड़ा मैंडेट इंडिया गठबंधन के नाम से आए। है? मैं कह तो रहा हूँ 400 पार, मैं बड़ी जियारत से बोल रहा हूँ 400 पार कुल मिलाकर गठबंधन